अपने बिग बॉस 15 के किस दुश्मन को तेजस्वी प्रकाश ने कहा है बिग थैंक यू और क्यों? क्या है पूरी अपडेट्स, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि जो रीसेंट इंटरव्यू दिया है तेजस्वी प्रकाश ने, उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की, ट्रोलर्स पर बात की, किस तरीके से कार को लेकर कि कार उन्होंने क्यों इतनी महंगी खरीदी, करण ने उन्हें मोटिवेट किया कि हाँ वो ये डिसीजन ले सकती हैं, प्लस अवार्ड्स नहीं मिला और जो प्यार अब मिल रहा है वो पहले नहीं मिला जबकि बहुत टाइम से मैं इंडस्ट्री में थी, सब पर बात करती हुई एकदम बेबाक तरीके से नजर आई तेजस्वी प्रकाश। और फिर आती है बात बिग बॉस की। जी हाँ, बिग बॉस को लेकर वो कहने लगी कि जब मैं जीती थी तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये नहीं डिजर्व कर रही है, वो डिजर्व कर रहा है, ये वो सब कहने लगे। लेकिन मैंने जितने भी क्लिप्स देखे, मैंने अभी तक एपिसोड नहीं देखे, जितने भी क्लिप्स देखे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, सबको लगता है इसीलिए मैं जीती हूँ। फिर वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं घर में, अगर बिग बॉस 15 के घर की अगर बात करें तो लोगों को मैं थ्रेट लगने लगी थी क्योंकि लोग इतने डर गए थे, लोगों ने अपने दुश्मनों से दोस्ती कर ली मेरे से लड़ने के लिए। तब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। और तब से मैं, मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे नहीं पता था मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। जो दुश्मन है वो, जो दुश्मन से लोग दोस्ती कर रहे हैं, ये बात कही इनडायरेक्टली उन्होंने चीज़ें की। और कहा कि जिन्होंने भी ये चीज़ें की घर के अंदर जो दुश्मन है मेरे, मैं उनको बिग बिग थैंक यू कहती हूँ क्योंकि उनके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। फिर वो कहती कि आई लव माई ट्रोलर्स, मैं अपने ट्रोलर्स जो हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, दे आर वेरी वेरी फनी। जी हाँ, इस तरीके से तेजस्वी प्रकाश ने कही ये बात है कि कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है, एनहांस हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जवाब पर तेजस्वी के, हमें जरूर बताइएगा अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।